दुर्ग निगम में पूजे गए भगवान विश्वकर्मा। इस अवसर पर शहर विधायक, महापौर व निगम आयुक्त ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर लोगों को दी शुभकामनाएं। साथ ही कर्मशाला से निकले वेस्ट सामानों से सजाया गया समारोह स्थल। दुर्ग निगम की कर्मशाला द्वारा शनिवार को निगम परिसर में विश्वकर्मा पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि शहर विधायक अरुण मोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे सहित निगम अधिकारी व कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा के पूजा अर्चना कर आरती उतारी और वहाँ मौजूद सभी लोगों को भगवान विश्वकर्मा की जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं कर्मशाला विभाग द्वारा पूजन स्थल को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया। वहीं कर्मशाला विभाग से निकले वेस्ट सामानों से पंडाल स्थल को बेस्ट तरीके से सजाया गया, जहां इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त ने इस सजावट की प्रशंसा करते हुए लोगों को भगवान विश्वकर्मा की जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर न्यूज टीम के समक्ष शहर विधायक अरुण वोरा व लोक कर्म विभाग के प्रभारी गिरीश दीवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का पूजन किया जा रहा है। विश्वकर्मा भगवान हमारे सृजन के देवता माने गए हैं। सबसे पहले हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, चाहे वो वाहन हो, चाहे इमारत हो या कल पुर्जे हो, उसको प्रारंभ करने से पहले हम उनकी पूजा करते हैं, उनके उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें विश्वकर्मा भगवान की कृपा से उसमें हमको सफलता मिले। और आज आप देख रहे हैं हमारे श्रमिकों की वजह से, जो इन कलपुर्जों का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारी वाहनें चल रही है, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान ने एक महत्वपूर्ण स्थान विश्व के नक्शे में बनाकर रखा है। मैं सभी श्रमिकों का समय जेते सभी का मैं आभार मानता हूं कि विश्वकर्मा जी को प्रेरणा मानकर वे काम कर रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने बांध औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया, जिसके कारण आज हमारे देश के बहुत से नौजवानों को रोजगार मिला है, यह विश्वकर्मा भगवान की ही देन है। मैं उन्हें सशस्त्र नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विश्वकर्मा के पूजा की तैयारी, भगवान विश्वकर्मा का आज जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमारे कर्मशाला विभाग की हमने कितना मेहनत किया है। आप जितनी भी सजावट देख रहे हैं वो जीरो लागत से, जो हमारे वाहन से जो पार्ट्स निकलते हैं, जैसे चक्का हो गया और जो उसके एयर फिल्टर, ये सब से जो बनाए हैं, ये निश्चित ही उनके भगवान विश्वकर्मा के नाम को और उनके उनके आशीर्वाद को पूरा करता है कि ये जो है कर्मशाला को उसके अनुरूप समझे सजाए हैं, जिसमें कोई लागत नहीं लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।